सो हे गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा यार, पिछले एपिसोड में हम खेले थे ट्रावर से। नहीं यार, ट्रावर यार बंदा तो खतरनाक है, बट मुझको को पसंद नहीं है। एंड ये बात तो यार अलग है, एंड आप लोगों को पता होगा यार, किसी के पास भी इन तीनों कैरेक्टर में किसी के पास भी ढंग की कार या बाइक नहीं है। नहीं फ्रैंकलिन के पास है और नहीं ट्रेवर के पास है एंड नहीं फाइकल के पास है, किसी के पास भी कोई ढंग की कार नहीं है। एंड इसलिए आज की इस वीडियो में कार्स को बाय करने वाले हैं। अब हमको किसी और का क्या पता, हमको खाली अपना पता होना चाहिए, अपने पास तो हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनको भी दे देंगे, बट अभी खाली माइकल के लिए कार्स या फिर बाइक हम आज की इस वीडियो में बाय कर सकते हैं। एंड सबसे पहली जो चीज है वो हमको शोरूम पर जाके देखनी है कार्स। अगर हम जाते शोरूम पर एंड वहां पर हम कार्स को देखते हैं, एंड वहां से अगर हमको पसंद आती है तो हम उसको ले लेंगे, अगर पसंद आती है एंड वो महंगी होती है, हमारे बजट से ऊपर होती है, तो उसको चुरा लेंगे। खैर अगर ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हुआ या चुरा नहीं सकते तो गाइस हमारा बंदा लेस्टर जिंदाबाद, उससे निकलवाएंगे किसी न किसी कार की लोकेशन एंड उसको चुराएंगे। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं, इसके कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि यार कार लेने जा रहे हैं, इसे कच्चे वाली यान में चले जाएंगे भाई, अच्छा थोड़ा ही लगेगा। तो अच्छा पहले चलते हैं ऊपर एंड करवाते मतलब करते हैं इसके कपड़े चेंज एंड निकलते हैं जल्दी से। गाइस सर, अभी मैंने ये वाला सूट पहन लिया एंड यार ब्लैक वाला सूट बहुत अच्छा लगता है माइकल के ऊपर। तो अभी यार कपड़ों की बात तो छोड़ते हैं एंड आज जाके देखते हैं हमको कौन सी भाई कार करनी चाहिए या फिर कौन सी भाई हमको करनी चाहिए बाइक। तो अभी हम चलते हैं अपने गैरेज में एंड देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी कार्स खड़ी है जिससे हम जा सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल हयाबूसा खड़ी है जो कि ये है, इसको भी देखेंगे मॉडिफाई। तो यार अगर हम कार लेने जा रहे हैं एंड जाएंगे बाइक से तो यार अच्छी थोड़ा लगेंगे, तो चलते हैं ना यार कार से। एंड अगर कार से हमको पसंद आएगी कार शोरूम से में तो हम वहाँ से ले लेंगे, वरना तो बाइक को फिर लेके चलेंगे एंड चुराएंगे एंड फिर देखेंगे। लेकिन यार मेरे को ये भी नहीं पता है कि शॉप कहाँ पर है उसकी शोरूम की, तो अभी वहाँ पर देखेंगे जल्दी से। तो अभी बैठते भाई अपन कार में। ठीक है समझ गया। एंड गाइस यार मेरे को नहीं पता है कहाँ पर सोप है, मैंने बहुत देर तक मैप में देखा बट मेरे को नहीं मिली। तो अभी निकलते हैं यहाँ से एंड घूमते हुए देखते हैं, मैंने एक जगह मार्क लगाया उसके आसपास हो सकती है उसकी शोरूम मतलब सोप, तो वहाँ से हम उसको बाय कर लेंगे। बोले तो शोरूम सोप क्या होगी भाई यार, शोरूम होगा पूरा, तो भाई वहाँ से उसको देख लेंगे, अगर नहीं मिले तो यार देखते हैं। एंड यार रोड वगैरह पर भी बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी कार्स कभी कभी मिल जाती हैं, तो उनको तो चुरा लेंगे अगर मिल गई तो ढंग की, फिर भाई साहब वही हो जाएगी हमारी कार। लेकिन अभी यार उसको छोड़ते हैं एंड अभी निकलते हैं हम इधर से अपन जहाँ हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, अगर वहाँ पर हमको शोरूम वगैरह मिलते हैं तो। ओ भाई सामने क्या है ये, यहाँ पर चल के देखते हैं, शायद शोरूम लग रहा है मेनू, ये है तो बहुत अच्छा। देखते हैं भाई अंदर चल के कैसा, ये रास्ता तो लग जा रहा है आगे से, देखते हैं कैसा है, वरना वापस आ जाएंगे यहीं से। अगर ये शोरूम होगा तो यार यहीं पर देख लेंगे थोड़ी बहुत कार्स वगैरह। नहीं नहीं नहीं, इसका रास्ता इधर से नहीं है, आगे से ही, आगे चलते गाइस। अभी यहाँ से निकलते देख सकते हो गाइस यार कितनी करी ड्रिफ्ट मारी थी अभी। अच्छा तो अभी यार निकलते आगे एंड देखते हैं हमको मिलती है या नहीं मिलती है यहाँ पर शॉप मतलब शोरूम, शॉप शॉप बोल रहा हूँ क्योंकि यार शॉप शॉप है। भाई सर अभी हम यहाँ पर आ तो चुके हैं, यहाँ पर तो मेरे को एंट्रेंस का भी कहीं से भी नहीं मिल रहा है। ओके यहाँ से एंट्रेंस है बट ये शोरूम नहीं है, इधर से निकलते हैं गाइस, ये शोरूम नहीं है, अपनी डेस्टिनेशन पर चलते जहाँ हम जा रहे थे एंड देखते वहाँ पर हमको शोरूम मिलता है या फिर नहीं। भाई सर अभी मैं डेस्टिनेशन पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था, बट इधर तो यार कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सी पार्किंग पर आ गया यार मैं एंड यहाँ पर चलो थोड़ी सी भाई क्यों कार खड़ी है। चलो हमारी वाली से तो अच्छी है, इसका नाम पता नहीं क्या है भाई, मेरे को मर्चेंट ना क्या नाम है भाई इस कार का मेरे को नहीं पता है, तो अभी इसी को ले लेते हैं क्योंकि हमारी कार से तो अच्छा ही है ये वाला कार एंड मतलब ये वाली कार एंड फिर चलते हैं। यार यहाँ पर नहीं मिला मेरे को लग रहा है जो भाई इसका साम तो बंद हो, पहले इसके कॉल उठाते हैं जो लेस्टर की फैक्ट्री है उसके पास आए तो उसका शोरूम एंड मेरे को ये भी नहीं पता उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है एंड ये भाई क्या सुना रही है अब एंड देखते हैं यार उसकी फैक्ट्री वैक्ट्री का अगर मेरे को कुछ पता होता है। यार मेरे को ये नहीं पता लास्ट रहता कहाँ पर है भाई।
भाई। और इस कार की आवाज जैसे जैसे एरोप्लेन चलता ना भाई वैसी यार भाई गजब आवाज है यार इसकी भाई। बिग फैन सर, देखो गाइस सुनो, देखो यार भाई क्या आवाज दे रही है ये कार एंड इसको चलाने में कितना मजा आ रहा है। अच्छा हमको उसकी सोप नहीं मिली एंड गाइस तुमको पता है मैं कार बहुत तगड़ी ठोकता हूँ भाई, ठोकती ठोकती रहती हम। भाई से यार अभी मैं घर पर आ चुका हूँ एंड भाई यार पुलिस भी पीछे लग गई थी अभी, क्योंकि मेरे को भाई गांव मतलब गांव कह रहा हूँ पूरे लॉस सैंटोस में यार कोई शोरूम ही नहीं मिला आज यार, खुला हुआ सारे बंद थे। मेरे को एक आधक मिला भी था बट मेरे को कोई सा भी शोरूम नहीं मिला एंड मैं भी आ चुका हूँ घर पर। एंड मैंने रास्ते में यार लेस्टर को बता दिया था कि यार भाई लेस्टर मेरे को कोई भी कार वगैरह नहीं मिल रही है एंड मैंने यहाँ पर शोरूम पर भी चेक कर लिया, तो वो कह रहा था पहले तुम ऑनलाइन कोई कार को चेक कर लो क्योंकि अगर ऑनलाइन अगर आपको तुम्हें पसंद आ जाती है माइकल से बोला वो तो आप उस कार को ले लेना, अगर नहीं मिलती है तो भाई मेरे को दोबारा कॉल करके बताओ एंड उसके बाद मैं बताता हूँ आपको लोकेशन। तो पहले यार मैं अपने फ़ोन पर नेट पर जाके मतलब कोई कार मतलब कार को या देख लेता हूँ जिससे कि मेरे को पता चल जाए कोई सी ढंग की कार यहाँ पर है या फिर नहीं। ठीक है तो अभी हम करते हैं इधर सर्च ऊपर यार इधर ही इधर मिलती हैं वो कार्स वगैरह, तो यहाँ पर लेजेंड वाले में मिल जाएगा और नीचे यस इस वाले में मिल सकती हैं हमको कार्स। ये देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक है, ये कौन सी है लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट। ओके हमको इधर कोई सी पसंद नहीं है अभी, तो अभी हम करते हैं और स्क्रॉल नीचे एंड ये है ये कि बाइक है यार 630 की एंड यार ये है भाई ये कौन सा प्रोगन T20 भाई ये है $220,000 की मतलब जितने भी हैं ये $200,000 के एंड मेरे को नहीं पता मेरे पास कौन से हैं। तो अभी हम और नीचे देखते हैं एंड और नीचे कुछ ये कार्स हैं एंड ये वाले भी कितने खतरनाक है रोल्स रॉयस है। ओके ये हमको नहीं चाहिए एंड ये कौन से ग्रुआटी टर्नोसो, मेरे को यार कोई फेमस सी कार चाहिए जैसे कि बुगाटी वगैरह लैम्बोर्गिनी वगैरह फरारी वगैरह ऐसी बाइक चाहिए। एंड यार ये भी काफ़ी भाई ख़तरनाक लुक है भाई $500 की है एंड एक ये है 750 की, इसका मेरे को नाम नहीं पता इस पे लिख रहा है पेगासी जेंट्रोनो। ओके ये नहीं चाहिए एंड ये वाली आउट ऑफ स्टॉक है हमको कुछ चाहिए भी नहीं क्योंकि हमको चाहिए स्पोर्ट यानी कि सुपर कार। एंड एक ये है ट्रूफेड अडेरे जो भी है ये एंड ये है $1,00,000 की जो कि मेरे को यही पसंद नहीं है। एंड एक ये है लास्ट पेगासी बोका बेक्का भाई इनमें से मेरे को कोई सी पसंद नहीं आई लेकिन थोड़ी सी हाँ ये वाली सही लग रही थी मेरे को रेड वाली लेकिन पसंद नहीं है। पीछे चलते हैं एंड दूसरी वेबसाइट पर देख लेते हैं कभी इस पर भी मिल जाए हमको एंड इस पर क्या आई। और भाई एरोप्लेन वगैरह भाई अभी ये नहीं चाहिए यार, अभी ये नहीं चाहिए अभी इतनी आगे नहीं जाना हमको एंड इस वाली वेबसाइट पर भी नहीं है एंड उस पर से मेरे को कोई सी पसंद नहीं आई। एंड इस पर यार टैंक्स वगैरह मिल रहे भाई अभी मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छा एंड कुछ ये और वेबसाइट है एंड इन पे भी देख लेते हैं, इस वाली पे देखता हूँ इस पर क्या मिल रहा है। तो इस पे याच वगैरह मिल रही है, अच्छा हर चीज़ की अलग अलग कैटेगरी है। ओके हम समझ चुके हैं एंड यहाँ पर नहीं है तो अभी यार मैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ एंड उससे कह देता हूँ यार यहाँ पर तो नहीं मिल रही एंड हमको तो कोई ना कोई लोकेशन बता, तो अभी करते हैं गाइस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस सर कल मैंने ट्रेवर को फोन लेस्टर को फोन कर दिया था एंड मैंने उसे कहा था कि यार मेरे को कोई सी भी यहाँ पर कार या बाइक पसंद नहीं आई है तो मेरे को यार तो कोई अच्छी सी कार की लोकेशन सेंड कर अगर हो तो वो बोल रहा था यार अभी तो नहीं है मेरे पास लेकिन आप तुम सो जाओ मैं हमारी कुछ भी मर्जी हम कुछ भी करें। समझ रहे हो आप ले वो कह रहा था मैं तुमको कल को एक लोकेशन सेंड करूँ एंड वहाँ पर जाके आप देख सकते हो एंड वहाँ पर। तो फिर उसने भाई बताया एंड सुबह उसका फ़ोन भी आया था एंड वो बोल रहा था कि यार एक उधर पार्किंग है एंड पार्किंग में वहाँ पर मतलब कोई होटल है वहाँ पर भाई कोई चीप एयर बोल रहे ने आया कोई बंदा एंड उस वो यार बहुत तगड़ी कार लेकर एंड वो उसमें मतलब पार्किंग में खड़ी है एंड भाई उस कार पर कोई सी भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगी हुई है एंड रात ही मैंने बाइक वगैरह सब कहकर जिमी से बाहर लगवा दी थी क्योंकि मेरे को जाना था। तो ये हमारी बाइक अभी इस पर बैठते हैं एंड निकालते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Oh my God! Wow!
देखकर उसको भी करेक्ट लोकेशन का नहीं पता है। जो उसने लोकेशन दी है उसके आसपास कोई पार्किंग है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, उसी के आसपास है एंड आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड उसमें देखो यार, आपको जौन सी भी कार, मतलब जौन सी भी कार की जाओ खड़ी है उसको चुराओ एंड निकलो, अगर मिलती है तो, नहीं मिलती है तो भाई स्कैम हो जाएगा। क्योंकि वो बोल रहा था भाई वो निकल भी सकता है एंड मैं इतनी लेट उठाऊँ, वो भाई कह रहा था अबे यार तू इतनी लेट उठा, माइकल इतनी लेट फ़ोन उठता भाई 8 बजे उठ कर आया ये, एंड वो जा भी सकता है 8 बजे क्योंकि वो कल रुका था, मतलब कल परसों रुका था एंड उसको जाना भी था, तो क्या पता यार वो चला गया या फिर वहाँ पर हो सकता है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं बिना कोई बात के, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा अपनी ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड अगर मैं आपको सही बताऊँ तो यार मेरे को कोई भी अच्छी नहीं लगती है बाइक, मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कार्स ऐसा मेरे को सीन नहीं है कार्स वगैरह का। तो गाइस सामने है पार्किंग, तो यार उसने तो एकदम सही लोकेशन दी थी एंड अभी इसके अंदर चलते हैं। एंड ये शायद VIP वाली पार्किंग है नीचे की साइड, और ये खुलेगी नहीं भाई हमारे लिए नहीं खुली क्योंकि हम कोई भी VIP वगैरह नहीं है। एंड ऊपर वाली में चलते हैं, शायद उसने ऊपर वाली में खड़ा कर रखा है क्योंकि वो ज़्यादा इतना VIP भी नहीं है, और पता नहीं कभी यार उसने भी VIP में खड़ा कर रखा हो एंड हमारे साथ स्कैम हो जाए। तो एक तो ये बाहर के पार्किंग है बट यहाँ पर तो कोई भी यार कार्स वगैरह नहीं खड़ी हैं, मतलब जब ज़्यादा कार्स वगैरह हो जाती हैं तो बंदे बाहर भी खड़े कर देते हैं। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं एंड गाइस सामने ये कौन सी कार खड़ी है मेरे भाई, भाई देख सकते हो यार कितना भाई कर्रा कलर कर रखा है भाई इस पर, देखो तो एक सेकेंड, अच्छा देख ही नहीं रही, एक मिनट रुका अभी दिखाता हूँ गाइस। अरे भाई डेंट मार दे, ओ भाई उधर से कौन पुलिस वगैरह आ गई, अबे भाई अलर्ट कर दिया यार उसने उसमें सायरन बज चुका है गाइस, उसमें सायरन बज चुका है क्योंकि यार मैंने उसमें ठोक दिया एंड यार इसको जल्दी से इस कार को यहाँ से उठाते हैं एंड निकलते हैं गाइस। यार एक बार मैं इस कार को आपको दिखा देता हूँ गाइस, यार देख सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है एंड इसका नाम मेरे को नहीं पता है। एंड सामने भी पार्किंग है यार, पहले वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कभी कोई हो, लेकिन जल्दी से कर लेते हैं एंड पहले अपनी बाइक पर बैठते हैं कभी हमको कोई अच्छी मिल जाए यहाँ पर भी, मतलब इससे अच्छी कार मिल जाए कभी ये ना हो, क्योंकि नॉर्मल हो सकती है ये भी कार। तो अभी हम देख लेते हैं, इधर भी काफ़ी अच्छी अच्छी एंड यार मेरी इतनी अच्छी बाइक यार यहाँ पर रह जाएगी एंड इसका यार एक बार साउंड तो सुनो तुम, एक मिनट सुनो भाई साउंड तो इसका भी कर रहा है एंड यार इसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर उस कार के लिए। एंड कार यार ये भी बहुत अच्छी है एंड इसके अंदर बैठते बस पुलिस ना लगे हमारे पीछे। तो अभी यार बैठते हैं इस कार को एंड लेके चलते भाई, हमारी बाइक बस घर पहुँच जानी चाहिए, मतलब घर के यहीं पर रहनी चाहिए, मैं इसको भी आके यहाँ से ले जाऊँगा बाद में। तो अभी हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, सो गाइस यार इस पर बैठते यार 3 स्टार की पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है एंड भाई तो बाइक हटा इधर से एंड मेरे को यार निकलने दे भाई, कत्ल ही सीन हो गया भाई इधर तो। एंड भाई सामने भी पुलिस है एंड भाई चल भी खतरनाक रही है बाइक एंड यार इधर से निकलते भाई सामने से, जब भाई कार और भाई ये पीछे से तो ठोक रहे हैं फुल, और बारिश अलग हो लगी यार, कितना खतरनाक मौसम हो चुका है। एंड अभी चलते भाई हाईवे पर क्योंकि हाईवे पर इनसे बच सकते हम, क्योंकि कार हमारे बहुत खतरनाक वाली हाथ लग चुकी है। एंड भाई फुल जंप मार दिया मैंने गाइस, अरे भाई यार ये क्रैश होगी, ये यार फुल से नहीं हो पाई, सही से नहीं हो पाई, अच्छा जंप फेल्ड हो चुकी है। एंड गाइस इधर से निकलते हैं जल्दी एंड भाई वहाँ काफ़ी खतरनाक वाला मौसम हो चुका है एंड सामने से भी एक कार आ रही है एंड गाइस पुलिस यहाँ से हटने वाली है मेरे पीछे से क्योंकि हल्के हल्के जा रही है। और भाई यार तू सामने क्यों आ गया भाई, क्योंकि कार की स्पीड बहुत खतरनाक है एंड हाँ मेरे को पता है यार कार की मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि ठोक चुकी है यार ये शुरू से ही। एंड भाई अभी इधर से मैं निकल रहा हूँ बस पुलिस को, भाई सामने से पुलिस फिर आ गई भाई, भाई फिर से पता चल गया यार इसने मेरे को देख, भाई क्यों कार है भाई पूरी कार पलट दी उसकी। और गाइस इधर से निकलते बस यार मेरे को केप वगैरह मिल जाए, मेरे को ये भी नहीं पता मतलब इसमें सिगरेट मतलब वो जो होती है टनल्स वगैरह अगर वो मिल जाती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा एंड मेरे को नहीं पता वो किधर है। एंड गाइस सही जगह आ चुका हूँ यार, यहीं पर वो टनल मिल जाती है हमको। एंड भाई हेलीकॉप्टर वगैरह सब आ चुके हैं भाई, फुल ये बरसा रहे हैं मेरे ऊपर को भाई गन्स वगैरह। एंड यहीं आसपास कहीं भाई वो भी मिल जाए, भाई इसका एक टायर पंचर कर दिया पुलिस ने भाई, खतरनाक सीन भाई, खतरनाक सीन करवा दिए। एंड भाई इसकी स्पीड भी सारी खत्म हो चुकी है भाई, पुलिस यार आज छोड़ दे कार को, नहीं छोड़ूंगा फिर मैं। अच्छा आज के बाद भाई यार क्या करूं भाई यार, इधर कोई खत्म यार खत्म सीन यार, इधर कोई सीक्रेट लोकेशन मिल जाती है मिलान की मेरे को मिल जाती है ना अगर कोई भी
टनल, तो यार मैं यहाँ से बच जाऊँ। एंड भाई पुलिस भाई खतरनाक वाली पीछे पड़ चुकी है, ये नहीं छोड़ने वाली मेरे को, आज लग रहा है कुछ ऐसा। एंड इसमें पंचर वगैरह भी हो चुके हैं यार, मेरे को दूर लोग कोई टनल भी नहीं दिख रही है। एंड पुलिस थोड़ा थोड़ा छोड़ लिए क्योंकि उसके हाथ से मैं खो चुका हूँ, सामने भी कोई ना कोई कार है। एंड अभी हम इधर को आ जाते हैं। एंड भाई यार इधर भी नहीं दिख रही मेरे को कोई भी टनल वगैरह, तो यार अभी मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। ओके सामने रुकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मैं इनको नहीं देखूंगा। एंड गाइस यार चलो नाले की तरफ आ गए यार, एक फायदा तो होता, बच जाते हैं। एंड यार ये नेट भी भाई क्या टैम पर साथ छोड़ा है। एंड अभी हम इसके अंदर रुक जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं। एंड उसने देख ले तो यार गलत ही सीन, वो ही गलत सीन करवाता है पूरे। तो यार अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं यार थोड़ा बहुत टाइम रुकते हैं यहाँ पर, या पुलिस पीछा छोड़ ही दे। एंड गाइस पुलिस पीछे छोड़ने ही वाली है, आप ऊपर देख सकते हो स्टार सारे खत्म होने ही वाले हैं यार, जल्दी से पुलिस छोड़ दे। एंड गाइस यार देख सकते हो यार इतना इसमें पंचर वगैरह, भाई पुलिस हट चुकी है भाई, फाइनली गाइस यार पुलिस हट चुकी है। एंड देख सकते हो पीछे पुलिस ने क्या हालत कर दी इस कार की, तो यार अभी हमको क्या करना है, लॉस सैंटोस में मतलब चलते जहाँ पर हमारी कार्स वगैरह मॉडिफाई होती हैं। एंड इस वहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे, बस इसको नॉर्मल रिपेयर कराएंगे एंड थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, देखते हैं। तो अभी यार हम उसकी देखते हैं भाई कहाँ पर है शॉप कस्टम की, भी यहाँ से निकलते हैं एंड वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ पर हमको जल्दी जाना है क्योंकि कार पूरी खत्म हो चुकी है, देख सकते हो गाइस चलने की भी हालत में नहीं है। एंड गाइस यार लेस्टर बंदा काम का तो है यार, उससे मैंने मांगी भाई मतलब कोई वो तो यार उसने दे तो दी, बट हाँ आप कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छी ये कार नहीं है, बहुत ख़त्म कार, मतलब ख़त्म भी नहीं कह सकते क्योंकि मेरी पहले वाली से तो बहुत अच्छी है यार। और गाइस यार इसके ऊपर भी नहीं चढ़ लिया भाई, ऊपर नहीं चढ़ेगी तो जाऊंगा कैसे मैं इधर से। ओके ओके चढ़ चुकी है फाइनली चढ़ चुकी है गाइस। एंड अभी ये वाले बैरियर तोड़ के यहाँ से निकालते, ओके ये लकड़ी के ऐसे ही टूट जाते हैं, हट यार। एंड अभी निकालते क्योंकि मेरी कार भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि भाई यार बहुत तगड़े सीन कर दिए थे। एंड यार पता नहीं यार नेट को क्या हो रहा है, तो अभी निकलते हैं यार लॉस सैंटोस की कस्टम पर। एंड वहाँ पर जाके इसको थोड़ा बहुत रिपेयर कराते हैं एंड इस पर लगाते हैं पैंट उंट। एंड गाइस एक बात बता दूं यार, मेरे को इसका पैंट बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। तो अभी हम पहुँच चुके हैं लॉस सैंटोस कस्टम, तो अभी बढ़ाते हैं इसके अंदर वो है सामने वाली एंड करवाते हैं इसको मॉडिफाई थोड़ा बहुत एंड इसको रिपेयर कराते हैं गाइस। अरे भाई गलती ठोक दी, एंड उस बंदे से कहते हैं गाइस सर हमने अपनी पूरी कार को रिपेयर के साथ साथ मॉडिफाई भी करा लिया। एंड गाइस देख सकते हो कार एकदम खतरनाक बन के आ चुकी है, जो पहले कलर में बोल रहा था कि यार कलर अच्छा लग रहा है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे को गोल्डन कलर मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पर अभी देख नहीं रहा है, यहाँ पर देखेगा देखो गाइस यहाँ पर दिख रहा है ये धूप ऊप में थोड़ा बहुत देख सकते हो कितनी कर भाई इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करवा दी मैंने, ये बहुत ज़्यादा पैसा लग गया भाई इसमें 50-60 हज़ार लग गया गाइस। एंड देख सकते हो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करवाई हैं, पहली बात तो ये प्लेट है एंड इसके नीचे आप लाइट देख सकते हो ये, एंड इसमें मेरे को स्मोक नहीं मिला इसलिए मैंने उसको नहीं लगवाया। अगर आगे वो बोल रहा यार अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ़ोन ऑन वगैरह करके मैंने इसको नंबर वगैरह भी दे दिया एंड आगे का ये वाला बम्पर भी मैंने लगवा दिया इसमें, ये जो आप देख सकते हो आगे। ओके एंड एक ये पीछे भी बम्पर लगा हुआ है देख सकते हो, ये वाला व्हाइट कलर का जो मैंने पीछे लगा रखा है ये। तो यार बहुत ज़्यादा हमने मॉडिफाई करा लिया एंड बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च कर लिया है, तो अभी यार निकलते हैं घर को एंड घर जाके दिखाते हैं भाई सबको कैसी कार लग रही है एंड सबको दिखाएंगे। आज फाइनली हमारे पास भी कोई लग्जरी अच्छी कार आ चुकी है, तो अभी हम निकलते गाइस घर पर जल्दी से। एंड मेरे को अब ठोकनी नहीं है गाइस, अगर अब ठोकी तो यार बहुत बुरा लगता है गाइस, क्योंकि यार अभी रिपेयर कराई है एंड अगर ठोक गए तो भाई बहुत बुरा लगता है। तो अभी हमारा घर कहाँ पर है, तो गाइस यार घर तो बहुत ज़्यादा दूर है एंड बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा यार। एंड मैं सोचता हूँ भाई इसको भाई यार मैं ठोक देता अगर ये गाड़ी ठोक जाती, क्योंकि अभी अभी गाड़ी हमने सही कराई है। एक तो वो बात होती है जब हम कार को नई नहीं लेते हैं एंड जब ख़राब होती है तो भाई बहुत बुरा लगता है, एंड एक जब होती है जब वो ख़राब हो जाती है हम तो चुराते हैं, चुराने के बाद उसको रिपेयर कराने के बाद जब चलाते हैं जब वो ठोक जाती है तो भाई बहुत गुस्सा आता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा संभाल के इस कार को चला रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जब भाई मैं कार चलाता हूँ तो कितनी ख़त्म कार चलाता हूँ, सबको ठोकते हुआ जाता हूँ एंड खुद भी ठोकता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से चला रहा हूँ क्योंकि ये भाई कार अपनी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस पर, आर्मर वगैरह सब कुछ डलवा दिया भाई, बहुत तगड़ा पैसा खर्च हुआ है। और ये ठोक गई तो भाई उसको ठोक दूंगा जिसने इस कार को ठोक दिया भाई, मैं भी इसको कहां पर चढ़ा बच गई भाई इसको ठोक दूंगा। तो यार अभी फालतू की बकचोदी नहीं करते एंड चलते जल्दी से जल्दी अपने घर पर एंड दिखाते हैं। गाइस यार अभी हम घर आ चुके हैं, देख सकते हो गाइस यार कितनी खतरनाक हो भाई, इसके भी देखो कितनी गोलियां पड़ी हुई हैं माइकल के। एंड देख सकते हो गाइस यार पहली बात तो इसको आगे से देखो गाइस, ये देखो यार कितनी ज़्यादा ठुक चुकी है, ये पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है यार कार यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठुक चुकी थी ये कार भी। ये देखो यार कितनी ज़्यादा ठुकी हुई कार है ये भाई, आगे से भी ठुक गई एंड मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ यार, ये नहीं है कि आगे से ठुकी है, पीछे से ही बहुत ज़्यादा ठुक के लाए, बट पीछे से इतना दिख नहीं रहा है लेकिन कार ठुकी बहुत है। एंड यही था
इस वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी रिपेयर करा लेंगे। एंड आप लोग बता देना उस बाइक को हमको लेस्टर को मतलब फ्रैंकलिन को या फिर ट्रेवर को देना चाहिए या फिर नहीं। तो आज की वाली वीडियो बस इतना ही था। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में बताना हमको क्या करना चाहिए। सो बाय बाय।